सीबीआई ने बुधवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड के प्रमोटर कपिल वाधवन और धीरज वाधवन के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी कर करोड़ रुपए का फायदा कमाने का आरोप है। दोस्तों आरोप ये है कि इन्होंने इसके लिए होम लोन के 2,60,315 फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं। सीबीआई के मुताबिक कपिल और धीरज वाधवन ने बांद्रा में एक डमी अकाउंट खोले यानी ब्रांच खोली, फिर फर्जी कागजात बनाकर लोगों के फर्जी होम लोन अकाउंट भी खोले। लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले ही अपना लोन चुकता कर दिया था। सीबीआई के मुताबिक कपिल और धीरज वाधवन ने होम लोन अकाउंट से जुड़े फर्जी कागजात बनाए। इसके तहत 11,755 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। इसमें से 14,000 करोड़ रुपए ब्याज की सब्सिडी के तहत हासिल किया गया था। दोस्तों ये रकम DHFL को ना मिलकर उन्हें मिलनी चाहिए थी जिन्होंने होम लोन लिया है। फाइनेंशियल रिपोर्ट में करीब 91 ऐसे फर्जी यूनिट के बारे में जानकारी सामने आई है। ये भी पता चला है कि इन लोन को जारी करने से पहले किसी भी तरीके की सिक्योरिटी या कोलेटरल तक ग्रांट नहीं किया गया था। फिलहाल दोस्तों दोनों भाइयों अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में जेल में बंद हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट DHFL कंपनी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।